सद्भावना, करुणा, प्रेम, सत्य, निश्चलता और समभाव से निर्मित स्वस्थ और सुंदर जीवन रूपी भव्य भवन का मैं शिल्पकार, मैं ओंकार। हिम शिखर पर भगवान शिव के सम्मुख पार्वती अपनी सखियों जया विजया के साथ आकर उनकी आराधना करती है। यद्यपि नंदी उनका स्वागत करता है, किंतु भीतर से वो भगवान शिव के कारण भयभीत भी है। उधर देवगण ब्रह्मा को खोजकर उनके समक्ष उपस्थित होते हैं और तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति का उपाय पूछते हैं। सरस्वती उन्हें ब्रह्मदेव के रचनात्मक कार्य में बार बार बाधा डालने से टोकती हैं, पर नारद वहां आकर देवगण के पक्ष में ब्रह्मा जी से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। ब्रह्मा जी का ध्यान भंग होने पर वे भोलेनाथ शिव की शरण में जाने का आदेश देते हैं। इसके लिए वे काशी विश्वनाथ की महिमा का गुणगान करते हुए उसे शिव की श्रेष्ठ भूमि और परम पूज्य ज्योतिर्लिंग बताते हैं और उसी की आराधना करने के लिए कहते हुए अर्धनारीश्वर से उत्पन्न नर नारी की कथा का वर्णन भी करते हैं। कितनी अद्भुत है ये काशी नगरी, मन प्रसन्न हो गया। ऐसी अलौकिक नगरी देखकर आंखें धन्य हो गईं। मन में ऐसी प्रेरणा जागृत हो रही है कि हमें शिव आराधना करनी चाहिए। मेरी आत्मा भी इसकी इच्छुक है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। निखर आया है शिवा। हाँ, मन भी मुखर हो उठे हैं। दोनों तपस्या में लीन हैं। ओम नमः शिवाय। तपस्या पूर्ण हो गई। तपस्या का प्रतिफल इन्हें प्राप्त होना चाहिए। अवश्य। तो चले पृथ्वी पर। चलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो। हमसे उत्पन्न पुरुष एवं प्रकृति आंखें खोलो। हमारी ओर देखो।
हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। तुम अपने जिन माता पिता के दर्शन के लिए व्याकुल थे वे हम ही हैं। तुम जानना चाहते थे कि तुम्हारी उत्पत्ति कैसे हुई। वे हम ही हैं जिनके द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं तुम्हारी माता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिव है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवा है। तुम दोनों ने हमारी आज्ञा का पालन करते हुए आदर्श नर नारी का रूप प्रस्तुत किया है। हम तुम दोनों से प्रसन्न हैं। कहो तुम क्या चाहते हो? कामना कहो, हम उसे पूर्ण करेंगे। हम क्या बताएं कि हम क्या चाहते हैं? हमारी मनोकामना क्या है हमें ज्ञात नहीं। हम आप ही से उत्पन्न हुए हैं। आप ही बताएं कि हमें क्या मांगना चाहिए। हाँ, उचित यही होगा कि आप हमें बताएं कि हमें क्या चाहिए। प्रभु, हमसे उत्पन्न इन जगत के प्रथम नरनारी युगल की तपस्या को अमर करने के लिए आप सदा सदा के लिए काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएं। आपके ज्योतिर्लिंग की आराधना से काशी में मुक्ति कामना से आए आपके भक्तों का कल्याण होगा। तथास्तु। पड़ने पर शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर तब तब ज्योतिर्लिंग पधारे अगर अमर शिव शंकर मुक्तेश्वर लिंग है जिसकी स्वयं प्रभु ने स्थापना की। इस लिंग के हर शिव धन ने पाशुपत योग से पूजा की। यह पे प्रकृति और पुरुष ने शिव शक्ति का ध्यान किया। उनको अर्पित होते अर्जित यह पे मन का ध्यान किया। काशी के विश्वेश्वर लिंग की महिमा कहीं न जाए। इनके दर्शन करके मानो काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने का अभिप्राय यही है कि आराधना व तपस्या कभी किसी की व्यर्थ नहीं जाती। हाँ भगवान, संपूर्ण कथा का भावसार यही है कि आराधना भक्त को भगवान तक पहुंचाती है। परमपिता, आपने अत्यंत सारगर्भित कथा सुनाई है। ये कथा संपूर्ण जगत के लिए आदर्श प्रस्तुत करती है। संपूर्ण जगत इसका लाभ उठाए ये उत्तम है, किंतु तुम्हें भी इसका लाभ उठाना चाहिए पुत्र नारद। इसमें तो शंका है ही नहीं परमपिता। है कैसे नहीं? तुमने कथा सुनाने से पूर्व ही पार्वती की आराधना सफल होने में शंका प्रकट की थी। ये कथा भविष्यवाणी भी करती है
कि पार्वती की आराधना अवश्य सफल होगी। परमपिता, यदि आपकी कृपा होगी तो अवश्य सफल होगी। फिर भूलते हो नारद, पार्वती मेरी नहीं शिव की आराधना कर रही है, इसलिए उसकी आराधना शिव पूर्ण कर सकेंगे, मैं नहीं। सत्य ही है, जिस प्रकार अर्थ नारीश्वर से उत्पन्न नर नारी को भी शिव दर्शन के लिए अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़े और समय लगा, उसी प्रकार पार्वती को भी सफलता और कृपा प्राप्त होने से पूर्व समय अवश्य लगेगा। कामना पूर्ति के पूर्व ही पार्वती को अनेक प्रकार की नारी लीलाओं से विचरना होगा। कामना पूर्ति के पूर्व ही पार्वती को अनेक प्रकार की नारी लीलाएं करनी होगी। और पार्वती ही क्यों, उसके माता पिता और उसके भाई को भी उसका सहयोग करना होगा। पार्वती को अपने माता पिता और परिवार का ही विरोध सहन करना पड़ेगा, उसके पश्चात ही उसकी कामना की पूर्ति हो सकेगी। तात्पर्य ये कि आप सभी को शिव पार्वती के मिलन के विषय में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शंका निराशा को जन्म देती है और निराशा पीड़ा, और पुरुषार्थ पीड़ा सहित होकर नहीं पीड़ा रहित होकर किया जा सकता है। नारायण नारायण, आहा, अति सुंदर, अति उत्तम, ऐसा ब्रह्म वाक्य इससे पहले कभी नहीं सुना। सुना देवराज, पुरुषार्थ पीड़ा रहित होकर किया जाता है, पीड़ा सहित नहीं। हाँ देवऋषि, सुना। मात्र सुनने से कार्य नहीं होगा देवराज, इसे गुणना भी होगा, और अभी वो समय नहीं आया कि गुणने की सामर्थ्य समाप्त हो जाए। तो क्या ऐसा समय आएगा परमपिता? हाँ नारद, कलयुग में ऐसा ही होगा। ब्रह्म वाक्य सुनने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन गुणने वाले नहीं। सुनने सुनाने वाले बहुत अधिक होंगे, लेकिन गुणने गुनाने वाले बहुत कम। अर्थात? अर्थात क्या नारद, कलयुग में जन जन बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे वाक्य बोलेगा और सुनेगा, किंतु कार्य छोटे छोटे और नीचे नीचे करेगा। इसलिए कहता हूं देवराज के इसे गुण लो और सोच समझकर इसका लाभ लो, इसी में तुम्हारा और समस्त देवताओं का कल्याण है। नारायण नारायण, लाभ उठाइए देवराज, लाभ उठाइए। परमपिता ब्रह्मदेव का मार्गदर्शन आपको सफलता के मार्ग पर ले जाएगा। देवऋषि, इस समय मैं क्या पुरुषार्थ करूं? धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करना भी एक पुरुषार्थ है देवराज। प्रतीक्षा? प्रतीक्षा ही तो मैं कर रहा हूं। विवशता से नहीं देवराज, विवशता से नहीं, धैर्य से। विवशता से की गई प्रतीक्षा में खीज, पीड़ा और निराशा होती है, किंतु धैर्य से की गई प्रतीक्षा में आनंद और भविष्य की सुखद कल्पनाएं होती है। दुख तो इसी बात का है कि इन सब बातों का ज्ञान होते हुए भी तारकासुर के अत्याचारों ने मेरे विवेक और मेरी बुद्धि को कुंठित कर दिया है। मेरा विचार है अब हमें चलना चाहिए देवराज। क्षमा करें ब्रह्मदेव, हम आपको बार बार आकर कष्ट देते हैं। वो तुम्हारा अधिकार है देवराज। नारायण नारायण, तो अब भविष्य में क्या कार्यक्रम है देवराज? ऐसे ब्रह्म वाक्य सुनने के पश्चात धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त और क्या कार्यक्रम हो सकता है देवऋषि? ब्रह्मदेव ने काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की इतनी अर्थपूर्ण कथा सुनाई, उसका कुछ भी लाभ नहीं उठाएंगे? नारद, देवराज मेरा अभिप्राय नहीं समझ रहे हैं। माँ, मैं समझा देता हूँ। अर्ध नारीश्वर के तन से उत्पन्न नर नारी को शिव कृपा और शिव दर्शन शिव आराधना से ही प्राप्त हुए थे। पार्वती को भी शिव आराधना से ही शिवजी प्राप्त होंगे, इसीलिए मनोकामना पूर्ति और सफलता के लिए शिव आराधना अनिवार्य है। शिव आराधना करने से शिव प्रसन्न होकर मनवांछित फल प्रदान करेंगे। ब्रह्मदेव, केवल मैं ही नहीं, हम सभी देवगण मिलकर शिव आराधना करेंगे। हाँ अवश्य करेंगे। कल्याण भव। Thank you.
कहां जाने की तैयारी हो रही है? आप जानते हैं भैया कि हम कहां जा रहे हैं? जानता हूं, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। तो सुनो, मैं अपनी सखियों के साथ शिव आराधना के लिए हिमगिरी शिखर पर जा रही हूं। मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा। क्यों? तुम जानती हो। जानती हूं, पर आपके मुख से सुनना चाहती हूं। तो सुनो, हमें अपमानित करने वाले उस हठधर्मी शिव की आराधना करने से रोकते हुए भी हमने तुम्हें नहीं रोका, तुम्हारे पति स्नेह के कारण। किंतु अब तुम्हारी पूजा आराधना को स्वीकार ना करके वो तुम्हारी भी उपेक्षा कर रहा है। ये असहनीय है। इस प्रकार वो तुम्हारी ही नहीं बल्कि हमारी और हमारे राज परिवार की भी उपेक्षा कर रहा है। भैया, सम्मान पाने की इच्छा रखने वालों को सम्मान देने की इच्छा भी रखनी चाहिए। मैंने किसका अपमान किया है? अपनी भाषा से पूछिए, वो बताएगी कि सम्मानीय के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग ना करना अपमान जैसा ही है। तुम्हें शिव के सम्मान का इतना विचार है, किंतु अपना और अपने परिवार के मान अपमान का तनिक भी विचार नहीं। जब तुम्हारी पूजा आराधना वहाँ स्वीकार ही नहीं होती तो तुम उस उपेक्षा के उपरांत वहाँ क्यों जाती हो? क्या है तुम्हारे पास इस प्रश्न का उत्तर? पूजा आराधना स्वीकार होने में कितना समय लगता है, अथवा आराध्य अपने भक्त की पुकार कितने समय में सुन लेते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है आपके पास? अच्छा, तो अब तुम तर्क से अपना मार्ग प्रशस्त करना चाहती हो, किंतु मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगा। मुझे जब तब से रोकने की चेष्टा व्यर्थ होगी भैया। ये क्या तर्क वितर्क चल रहा है तुम दोनों में? पिताजी, मैं आपसे, माँ और भैया से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मुझे शिव आराधना करने से ना रोकें। यदि रोका गया तो मेरे लिए अहितकारी होगा। पुत्री, जो तुम्हारे अहित में होगा वो हमारे हित में भी नहीं होगा। पिताश्री, आप पार्वती के शब्द जाल में ना आए। तो तुम्हारे क्रोध जाल में आ जाओ मेनाक। बुद्धि से काम लो पुत्र। जो हमारा अपमान करे वो हमारा शत्रु है। क्या अपने शत्रु का विरोध करना बुद्धिहीनता है? बिना सोच विचार किए किसी के प्रति शत्रु भाव रखना बुद्धिहीनता ही है पुत्र। भला शिव हमारे शत्रु कैसे हो सकते हैं? इससे पूर्व भी तुम्हें कहा था मैंने, भगवान शिव हमारे यहाँ अल्पकाल के लिए एकांतवास के निमित्त आए हैं। अल्पकाल के लिए। पुत्र कारण किसी के प्रति शत्रु भाव रखने से उसे तो लेश मात्र भी हानि नहीं होती है, किंतु स्वयं की हानि हो जाती है और उस हानि से शेष कुछ नहीं बचता। पुत्री पार्वती, तुम अपनी सखियों के संग जाओ और भगवान शिव की आराधना करो। मैं निश्चय करते हैं। उधर पार्वती जब सखियों के साथ शिव आराधना के लिए प्रस्तुत होती है तो मैना क्रोधित होकर शिव का विरोध करता है, किंतु हिमालय राज युवराज मैना को समझाते हैं और पार्वती को शिव आराधना की आज्ञा देते हैं। देख रहे हैं देवराज? मेघदेव, मैं देख रहा हूं कि हिमालय राजपुत्री पार्वती कितनी श्रद्धा और कितने समर्पण भाव से शिव आराधना में संलग्न है। ब्रह्मदेव के आदेशानुसार स्वयं अपनी लक्ष्य पूर्ति हेतु हमें भी शिव आराधना करनी चाहिए देवराज। हाँ, अवश्य करनी चाहिए। जय हो।
देवराज इंद्र की जय हो। कामदेव, कामदेव तुम यहां? यह सुनकर मैं तो चौंक ही पड़ा था कि पराजित इंद्र की जय बोलने वाला कौन आ गया। क्षमा करें देवराज, परंतु जय विजय की स्थिति सदा एक सी तो रहती नहीं, कभी ये इस पर तो कभी वो उस पर। विधाता ही जानता है कामदेव कि ये जय और पराजय का क्रम कब समाप्त होगा। आप मुझे आज्ञा करें देवराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मेरी सेवा करने के लिए तुम्हारा ये पूछा गया प्रश्न ही मेरे लिए बहुत बड़ी सेवा है कामदेव। नहीं देवराज, मैं शब्द सेवक नहीं हूं, कार्य सेवा का इच्छुक हूं। प्रतिपति, यदि तुम मेरी सहायता करने के लिए इतना ही कटिबद्ध हो तो मेरे लिए कार्य करो। आज्ञा करें देवराज। वहां देख रहे हो नीचे उस हिमगिरी के शिखर पर कोई कन्या किसी योगी के समीप खड़ी होकर पूजा अर्चना कर रही है। कामदेव, वो कन्या हिमालय राज की पुत्री पार्वती है और वो योगी कोई और नहीं, स्वयं कैलाश पति देवाधिदेव शिव शंकर है। हाँ, कैलाश पति भगवान शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। शिव पर बड़ी आस्था है तुम्हारी? जिनकी शिव पर आस्था नहीं है उन पर मेरी आस्था नहीं है देवराज। तो उनके हित में जिनकी शिव पर आस्था है ये कार्य करो। पार्वती की निष्ठापूर्वक पूजा का ध्यान में लीन शिव शंकर कोई उत्तर नहीं दे रहे। यदि शिव केवल एक बार पार्वती की ओर अनुराग भाव से देख ले तो पार्वती की आराधना और विधाता का उद्देश्य पूर्ण हो जाए। विधाता का उद्देश्य? हाँ कामदेव, शिव के प्रसन्न होने पर ही उनका विवाह पार्वती से संभव होगा। शिव पुत्र द्वारा ही उस तारकासुर का वध होगा जो हम देवताओं से स्वर्ग का अधिकार छीनकर हम पर अत्याचार कर रहा है और जिसके कारण हमारी ये दुर्दशा है। मेरे द्वारा शिव जी के मन में अनुराग उत्पन्न करने से यदि आपकी स्थिति में सुधार संभव है, पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त होना संभव है तो मैं सहर्ष इस कार्य को करूंगा देवराज। कामदेव, यदि ये कार्य आपके द्वारा संपूर्ण हो जाएगा तो समस्त देवगण आपका आभारी रहेगा। यदि ऐसा है तो मैं रति को साथ लेकर इसी समय हिमगिरी शिखर पर जाकर इस शुभ कार्य को संपन्न कर डालता हूं। मेरी मंगल कामनाएं तुम्हारे साथ है कामदेव। Thank you.
ये बड़वान लगनी तो जगत का सर्वनाश कर देगी। शिव जी का क्रोध अग्नि के रूप में कामदेव को भस्म करने के पश्चात भी विद्यमान है। कुछ उपाय करना होगा। ओम नमः शिवाय। परमदेव, परमपिता, परमपिता, परमदेव, समुद्र का नमन स्वीकार करें और आज्ञा करें मैं किस प्रकार से आपकी सेवा कर सकता हूं। समुद्र देव, इस अश्व को देख रहे हो? इसके शरीर से अग्नि प्रकट हो रही है। देख रहा हूं परमपिता, पर ये अश्व और ये अग्नि यहां आपके साथ कैसे आए? समुद्र देव, ये भगवान शिव की क्रोधाग्नि है जो कामदेव को भस्म करने के पश्चात भी विद्यमान है। यदि इस अग्नि का शमन नहीं किया गया तो तीनों लोक तक इस अग्नि की तपन जा पहुंचेगी। अतः लोक कल्याण के लिए और भगवान शिव की प्रेरणा से मैं उनके क्रोध को इस अश्व के रूप में लाया हूं। तो मेरे लिए क्या आ गया है परमपिता? समुद्र देव, तुम्हारे भीतर अनंत जल राशि है। इस भड़वानल अग्नि को शांत करने अथवा सहने की क्षमता तुम में है। यह अग्नि तुम्हारा जल पान करके तुष्ट होती रहेगी, किंतु तुम्हारी अनंत जल राशि अनंत होने के कारण कभी समाप्त नहीं होगी। इस प्रकार इस अग्नि से जगत की रक्षा हो जाएगी। भगवान शिव की इच्छा और आपके आदेश की पूर्ति करना मेरा परम सौभाग्य होगा परमपिता।
स्वाभिमान, लोक कल्याण और सद्गुणों से जो प्राणी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मैं उनका पालनहार हूं। मैं ओंकार मैनाक के शिव विरोध के उपरांत भी पार्वती अपनी सखियों सहित शिव आराधना के लिए हिम शिखर पर आ पहुंची। आकाश से देवराज इंद्र और देवगण देखते हैं तो उन्हें भविष्य उज्जवल दिखाई देने लगता है। उसी समय कामदेव वहां आते हैं। इंद्र उनका सहयोग मांगते हुए भगवान शिव के मन में अनुराग उत्पन्न करने की कामना करते हैं। पार्वती शिव आराधना कर रही है तभी कामदेव रति के साथ वहां आकर मादकता, रमणीयता और उत्तेजना उत्पन्न कर शिव के मन में अनुराग उत्पन्न करने का प्रयत्न करते हैं। कामदेव के पुष्पवाण से शिव क्रोधित होकर उसे भस्म कर देते हैं। रति विलाप करती रह जाती है। शिव की क्रोधाग्नि को ब्रह्मा अश्वरूप में सागर में विसर्जित करते हैं। शांत हो जाओ, विलाप न करो। होनी कभी अनहोनी नहीं हो सकती, जो हुआ उसे स्वीकार करो। हे देवेश्वर, किंतु किस अपराध का दंड हमें मिला है? देवराज इंद्र और देवगण के कहने पर कामदेव ने आप पर पुष्पाण चलाया और आपकी समाधि भंग की। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं था। देवगण की दुर्दशा समाप्त करने के लिए हमने उनकी सहायता की और हमारी दुर्दशा हुई। ऐसा क्यों प्रभु? हे भोलेनाथ, मुझ पर दया करो। मृत्यु का अभिशाप भोगने का समर्थ मुझ में नहीं है। कामदेव को जीवित कर दो, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। मुझ पर दया करो प्रभु, कामदेव को जीवित कर दो। देवाधिदेव, कामदेव निरपराध है। कामदेव ने तो हम देवताओं के कल्याण के निमित्त आपकी और देवी पार्वती के मन में अनुराग उत्पन्न किया था। कामदेव को क्षमा कर उसे पुनर्जीवित करें। देवाधिदेव, उसे पुनर्जीवित करें। विधि का विधान अटल होता है, वो चाहे देव हो, देवी हो, दानव हो, मानव हो, हर किसी को अपने किए हुए कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। हे भोलेश्वर, कामदेव को क्षमा कीजिए। उसने जो कुछ किया वो स्वार्थ की नहीं परमार्थ की भावना से किया है, इसलिए उसका अपराध क्षम्य है। हे भोलेश्वर, कामदेव को पुनर्जीवित कीजिए, उसकी पत्नी रति पर दया कीजिए। हाँ भगवान, रति पर अपनी दया कीजिए, कामदेव को पुनर्जीवित करें, ऐसी हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है। हे भोलेनाथ, यदि आपने कामदेव को पुनर्जीवित नहीं किया तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी, यही प्राण त्याग दूंगी। हमारी समाधि भंग करके हमें योग से भोग की दिशा में ले जाने के दुष्कर्म में तुम कामदेव की सहभागिनी रही हो। जो कुछ अनर्थ हुआ उसका परिणाम कामदेव ने भोगा, कुछ अंश तुम्हें भी भोगना होगा। हे भोलेश्वर, मैं आपसे दया की भिक्षा मांग रही हूँ और अब दंड की व्यवस्था कर रहे हैं। दंड की व्यवस्था तो हो चुकी है रति, अब तो प्रायश्चित करने की व्यवस्था शेष है। करूंगी भोलेनाथ, मैं प्रायश्चित करूंगी। तो सुनो रति, तुम्हारा पति कामदेव हमारे तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्मभूत होकर भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है। वो हमारी कृपा से पुनर्जीवित हो चुका है। वो लौकिक नेत्रों से दिखाई नहीं देगा, वो जीवित होते हुए भी अंग रूप में देखा नहीं जा सकेगा, वो अनंग हो चुका है। मन्मथ, अब वो सशरीरी नहीं अशरीरी हो चुका है, अब वो अनंग और मनोज के नाम से जाना जाएगा। क्या होगा अशरीरी पति को प्राप्त करके भगवान? प्रायश्चित होगा रति। मैं प्रायश्चित करूंगी, परंतु इसे इतना कठोर न बनाइए। प्रायश्चित की व्यवस्था
दुष्कर्म करने वाले की इच्छा से नहीं होती रहती। जिसके प्रति दुष्कर्म हुआ है उसकी इच्छा के अनुसार होती है। मैं आपके इच्छा अनुसार ही कर्म करूंगी भगवंत, किंतु मैं ये भी जानती हूँ कि आप सर्वशक्तिमान हैं, पूर्ण समर्थ हैं। यदि आप कृपा करुणा करके मेरा और मेरे पति का अपराध क्षमा कर दें, तो मुझे मेरा पति पूर्ण शरीर रूप में प्राप्त हो जाएगा। अवश्य हो जाएगा, किंतु अभी नहीं। फिर कब प्रभु? तुम्हें द्वापर युग तक प्रतीक्षा करनी होगी। द्वापर युग तक? हाँ, द्वापर में कामदेव भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा और वो तुम्हें पति रूप में प्राप्त होगा। धीरज धरो रति, भगवान शिव ने जो कुछ तुम्हें कहा है सत्य अवश्य होगा। द्वापर में तुम्हें कामदेव पुनः प्राप्त होंगे। नारायण नारायण। रति, रति, सत्य तो यह है कि मैं तुम्हारा अपराधी हूं। कामदेव मेरी सहायता के लिए ही प्रयत्नशील थे और उनकी ये गति हुई। देवराज, आपकी दुर्गति देखकर स्वामी स्वयं आपकी सहायता के लिए आए थे, इसमें आपका क्या दोष? कौन जानता था कि यह परिणाम होगा? विधि के लेख को जान भी कौन सकता है? अब तो मेरा केवल एक ही सहारा है, प्रिय काम की ये भस्म। भस्म हो गया। और क्या होना था, यही होना था। तार का सुर से टकराएगा कामदेव तो यही होगा, यही। तू समझता था कि अपने पुष्पों से तू शिव विवाह का चक्र चलाएगा, शिव पुत्र उत्पन्न होगा जो मेरा वध करेगा और मैं मारा जाऊंगा। सारा जगत जानता है कि कौन मारा गया। अब शिव पुत्र उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता और ब्रह्मा के वरदान अनुसार अब मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। सेनापति, क्या कोई मुझे मार सकता है? नहीं महाबली, जिसको मरना होगा वही आपको मारने की बात सोचेगा। तो हो जाए इस प्रसन्नता के अवसर पर कुछ आनंद, कुछ रंग, कुछ तरंग। आज्ञा करे महाबली। तो जाओ ले आओ इंद्र की बंदी अप्सराओं को, जो कामदेव के मरण पर आंसू बहा रही है। कहो नहीं कि हमारे सामने नृत्य करें। जाओ। जो आज्ञा महाबली। मदिरा। कामदेव के भस्म होने से तारकासुर स्वयं को निष्कंटक हुआ मानकर प्रसन्नता से मदिरा व नृत्य में डूब गया। वो इस अमिट सत्य को भूल ही गया कि पक्ष में एक घटना के घटित होने से विधि का घटना चक्र कभी रुकता नहीं। कामदेव के भस्मीभूत होने से पार्वती की साधना और उसके दृढ़ निश्चय में तनिक भी अंतर नहीं पड़ा।
प्रत्युत वह और अधिक दृढ़ संकल्प से तपस्विनी का परिधान धारण कर हिमालय राज के सम्मुख आ गई। पुत्री पार्वती और तपस्विनी के वेश में? हाँ पिताश्री, आपकी ये पुत्री तपस्या करना चाहती है। पुत्री, मुझसे ना तो तुम्हारा ये वेश देखा जा रहा है और ना तुम्हारी इच्छा सुनी जा रही है। यदि पिता होकर आप मेरे मन की बात नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? मुझे तपस्या की आज्ञा दें पिताश्री। कामदेव के भस्म होने के पश्चात अब शिव आराधना का क्या अर्थ है पुत्री? सब व्यर्थ होगा। मेरी बात मानो, मैं तुम्हारे लिए किसी योग्य वर को खोजकर तुम्हारा उससे विवाह कर दूंगा। नहीं पिताश्री, नहीं। ऐसे कठोर कठोर शब्द सुनना भी मेरे लिए अब कर्म है। मैं जन्म जन्मांतर के लिए सदा शिव को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। अब अन्य किसी की कल्पना करना अथवा नाम सुनना मेरे धर्म और चरित्र के विरुद्ध है, विरुद्ध है। पार्वती, अपनी वाणी पर संयम रख और साथ ही अपने माता पिता की मर्यादा का ध्यान भी रख। तेरे शब्द और तेरी वाणी सब कुछ तेरी आयु से आगे आगे भाग रहे हैं। मैंने क्या किया है माँ? अब तक तो विशेष कुछ नहीं किया है, पर आगे जो कुछ तू करने का विचार कर रही है क्या वो उचित है? तू राजकुमारी है, राजमहल में राजपाट के मध्य तेरा पालन पोषण हुआ है। शिव के निमित्त शिव आराधना और तपस्या करने की अनुमति मैं तुझे सर्वथा नहीं दे सकती। मैं तेरे कोमल तन को तपस्या की अग्नि में तुझे कभी नहीं झोंकने दूंगी, कभी नहीं झोंकने दूंगी। और फिर एक राजकुमारी का किसी योगी के साथ इस प्रकार का रागात्मक संबंध, क्या ये राज परिवार के लिए शोभा की बात है? इसमें अशोभनीय क्या है? है कोमल राजकुमारी का कठोर योगी से अनुराग, आज तक देखा सुना नहीं गया। जो आज तक नहीं हुआ वो अब भविष्य में होगा तो अनुचित होगा, ऐसा किस ऋषि अथवा मुनि ने कहा है? तुम तर्क बहुत करने लगी हो पार्वती। अपने उचित पक्ष को प्रमाणित करने का प्रयत्न तर्क नहीं होता। मैनाक, तुम और तुम्हारी माँ दोनों शांत हो जाओ। हठ क्रोध और उत्तेजना से हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकेंगे। मैंने निर्णय लिया है कि पार्वती को तपस्या की अनुमति दे देनी चाहिए। पिताश्री, पिताश्री, आपने यह निर्णय सोच विचार कर किया है? क्या तुमने यह प्रश्न मुझसे सोच विचार कर किया है? आप तो मेरे किसी विचार से सहमत हैं ही नहीं। अब मुझे आज्ञा दे पिताश्री। नहीं पुत्री, मैं तुम्हें अकेले जाने की आज्ञा नहीं दूंगा। जय और विजय भी तुम्हारे साथ जाएंगे। अब मुझे आज्ञा दे मां। पार्वती, मेरी पुत्री, मेरी पुत्री। तपस्या करूंगी। यहाँ तपस्या करोगी अकेली इस घोर सुनसान में? यहाँ इस प्राणी शून्य स्थान में क्या तुम्हें भय नहीं लगेगा? कैसा भय, किसका भय? विधाता रक्षक है। नहीं पार्वती, हम तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। महाराज और महारानी को क्या उत्तर देंगे?
उसका दिया हुआ उत्तर ही वहां भी दे देंगे। किंतु क्यों दे और क्यों जाए इसे अकेला छोड़कर? देखो तुम्हारा ये हट उचित नहीं है और तुम्हारे सारे हट उचित हैं। तुम दोनों भावना में मत बहो, मुझे मेरा कर्तव्य करने दो। भावुक होकर कर्तव्य पूर्ण नहीं हो सकते। अब तुम दोनों जाओ। तनिक सोचो पार्वती, इस निरह एकांत में हम तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मन में आशंकाएं होती हैं। तुम दोनों तो दुर्बल हो ही, अब मुझे भी दुर्बल बनाओगी। मैंने कहा ना, मैं यहाँ तपस्या करने आई हूँ और उसके लिए निर्भयता, दृढ़ता और संकल्प की आवश्यकता होती है। अब जाओ तुम दोनों। हमारा मन नहीं मानता पार्वती। मन की मत सुनो, बुद्धि से काम लो। क्या शिव की आराधना करने वालों को कोई भय हो सकता है? शिव मेरे साथ हैं, तुम निश्चिंत होकर जाओ। जैसी तुम्हारी इच्छा, किंतु समय समय पर हम तुम्हारी जानकारी लेते रहेंगे। राज परिवार के लिए शोभा की बात है? नहीं, यह अत्यंत अशोभनीय है। वो बभूतधारी, वो पार्वती का पति बनने के योग्य नहीं है। नहीं, मैंने निर्णय लिया है कि पार्वती को तपस्या की अनुमति दे देनी चाहिए। क्यों क्यों दे देनी चाहिए अनुमति? तुमने यह प्रश्न मुझसे सोच विचार कर किया है तो फिर
कैसे प्रश्न पूछते हैं? पिताश्री, आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। बताइए, कौन है ये शिव? कितनी बड़ी विभूति है ये शिव जिसके लिए हमारी बहन पार्वती को कठोर तपस्या का कष्ट उठाना पड़ रहा है? मुझे बताओ तो, सत्य क्या है, तथ्य क्या है, कौन है ये शिव? ये शिव, ये शिव, ये शिव। हठधर्मी हो तुम, और तुम हो कौन? वही जिसे तुम्हारे भीतर रहना था किंतु बाहर रहना पड़ रहा है। शब्द जाल में मुझे मत उलझाओ और अपना परिचय दो। मैं तो तुमसे भली भांति परिचित हूं, तुम भी मुझे जान लो। मैं शिव तत्व हूं। तो तुम परिचित हो मुझसे? बताओ मैं कौन हूं? तुम अज्ञान हो। शिव तत्व, जब जानते हो कि मैं अज्ञान हूं तो फिर दूर रहो। क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? दुर्बल से कैसा भय? दुर्बल? मैं दुर्बल? तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं यदि किसी प्राणी के मन बुद्धि में बैठ जाऊं तो पल ही पल में लाखों प्राणियों को मृत्यु के मुख में धकेल सकता हूं। मेरी शरण में आकर ही हिंसा रक्त की नदियां बहा देती है, परिवार से लेकर राज्य तक उसमें लील जाती है। मेरे चरणों का आश्रय पाकर ही ईर्ष्या, कुबुद्धि, दुर्भावना, दुष्प्रीति, युद्ध, कलह, विवाद और शत्रुता को जन्म देती है। मेरे भीतर जब घृणा की आंधी उठती है तो एक प्राणी दूसरे के प्राणों का प्यासा हो जाता है। मुझसे उत्पन्न असत्य और छल जब नंगा नृत्य करते हैं तो समूचा जगत कांप उठता है। और तुम मुझे दुर्बल कहते हो? क्या तुम ये सब कर सकते हो? ऐसी विनाश लीला करना गर्व की नहीं, लाज की बात है। मैं ये सब नहीं कर सकता। ऐसा करना धर्म भी नहीं है मेरा। तो फिर तुम क्या कर सकते हो? मैं जन जन के मन में शांति, प्रेम, सत्य और अहिंसा की सरिता प्रवाहित कर उन्हें एक सुखद, शांतिमय और आनंदपूर्ण जीवन दे सकता है। तुम्हारे अहंकार के अंधकार से दूर रहकर प्राणी मात्र को वो प्रकाश दे सकता हूं जो जीवन को धन्य और कृतार्थ
कर सके। मेरी शक्ति विनाशक नहीं, रचनात्मक है। बस बस, धरती के मानव को देखकर रचनात्मक शक्ति का कुरूप परिणाम देखा है मैंने। जो कुरूप परिणाम तुमने देखा है वो मेरी रचनात्मक शक्ति का नहीं, तुम्हारी विनाशक शक्ति का है। मैंने तो सदा आत्मिक सौंदर्य की सृष्टि की है। प्राणी सौंदर्य प्रेमी और सृजनशीलता का समर्थक है, वही मैं करता हूं। तुम दुष्ट, नीच और कायर हो। यदि तुम मेरे मार्ग में बाधक बने तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। वो तुम्हारे वश में नहीं है। क्रोध में मुझे अब शब्द कहना भी तुम्हारी अज्ञानता ही है। अब शब्द कहकर दुष्टता तुम कर रहे हो, फिर भी दुष्ट मैं हूं। अपनी बहन पार्वती की शिव आराधना के उच्च उद्देश्य से असंतुष्ट तुम हो, फिर भी नीच मैं हूं। शिव की भक्ति से भयभीत तुम हो, फिर भी कायर मैं हूं। उल्टा सोचते बोलते और करते हो, इसीलिए परिणाम भी उल्टे होते हैं। तभी तो तुम्हारा नाम अज्ञान है। चुप हो जा रे वाचाल। मेरे सोचने बोलने या करने पे बोलने वाला तू कौन होता है? किसने दिया तुझे ये अधिकार कि तू मेरे बारे में माप तोल कर सके? मेरी बहन पार्वती के विषय में बोलने वाला तू कौन है? बोलता क्यों नहीं दुष्ट? मैं दुष्ट नहीं, इष्ट। कहा ना, मेरा मूल स्थान तुम्हारे भीतर है। परंतु वो तब होता है जब तुम ज्ञान होते हो, जब अहंकार का आ तुम्हें ढक कर अंधकार में ढकेल देता है। तब तुम ज्ञान नहीं रहते, अज्ञान हो जाते। तब मैं भी वहां नहीं रह सकता, बाहर निकल आता। रे अधम, मुझे अहंकार और अंधकार से ढका हुआ अज्ञान कहने का साहस तूने कैसे किया? जानता है, मैं जो भी कुछ सोचता, कहता और करता हूं वही रीति और नीति संगत होता है। यही है वो अहंकार, यही है वो अंधकार और यही है वो अज्ञान, जिसके कारण जगत में अशांति व्याप्त होती है। इसलिए हे अज्ञान, अपने इस आ को तोड़ दो, मिटा दो इसे, खंडित कर दो इसे, ताकि मैं भीतर प्रवेश कर सकूं। हट! भीतर प्रवेश कर सकूं? क्यों करने दूं मैं तुम्हें अपने भीतर प्रवेश? दूर हट! बड़ा शिव तत्व बनता है, ना किसी को कुछ सोचने देता है, न ढंग से कुछ करने देता है। जा जाकर अपने शिव में समा जा। शिव में तो सारा जगत समाया हुआ है, अब तो शिव को जगत में समाना है और मुझे तुम में। तू क्यों मेरे पीछे पड़ा है? क्यों चाहता है मुझ में समाना? तू है क्या? क्या होता है इस शिव तत्व में? शक्ति होती है, परम कल्याणकारी शक्ति, प्रकाश होता है जो संपूर्ण अंधकार को चीर देता है। ये शक्ति और प्रकाश रहते कहाँ है? मन, आत्मा और बुद्धि में। वहां जाकर रहने से क्या होता है? सद्भावना, सद्वृत्ति और सद्बुद्धि जागृत होती है। फिर क्या होता है उस जागृति से? आत्मा शुद्ध, मन निर्मल होता है और
और बुद्धि लोक कल्याण में प्रवृत्त होती है। इतना सब कुछ होने के पश्चात क्या होता है? प्राणों में शिव तत्व समा जाने से प्राणी किसी की श्रद्धा भावना को आहत नहीं करता, स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट नहीं मानता, फिर वो जप तप के पवित्र उद्देश्य की ओर अग्रसर होने वाले प्राणियों के मार्ग में बाधक नहीं बनता, सबका कल्याण सोचता है करता है। अर्थात हे शिव तत्व, हे शिव ज्ञान, मन बुद्धि में ज्ञान और ज्ञान में तुम्हारे होने से अनेक कल्याणकारी और सुखद लाभ हैं। निश्चित रूप से तुम सत्य कहते हो और तुम्हारे सत्य को स्वीकार कर लेने में ही मेरा कल्याण है। तो फिर बोलो, ओम नमः शिवाय। कल्याण, जप, तप और पवित्रता की ओर अग्रसर होने वाले के मार्ग में बाधक ना बनने से शिव ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात मुझे शिव ज्ञान हो गया मुझे शिव ज्ञान। मैं मूर्ख था, निर्बुद्धि था, अब शिव ज्ञानी हो गया। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, मुझे क्षमा करना। विचार करते हुए मुझे आना पड़ा। मेरा है पार्वती, पति कामना के लिए तप आरंभ करने से पूर्व तुम्हें मनवांछित पति प्राप्ति के लिए शिव महिमा व्रत करना होगा। ये शिव महिमा का व्रत बताकर आपने मेरा मार्ग सरल कर दिया है देवर्षि। अब कृपया ये बताइए कि ये व्रत कब और कैसे किया जाता है, मेरा मार्गदर्शन करें। आज चैत्र मास की तृतीया है, आज से लेकर एक मास तक केवल एक बार आहार करके तुम्हें शिवलिंग का बिल्व पत्रों के साथ विविध प्रकार से पूजन करना होगा। आपकी बताई विधि के अनुसार ही मैं आज अपना तप आरंभ करूंगी देवर्षि। नारायण।